Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know, that we are on chapter number 7 and uh, the name of our chapter is The Earth and Its Resources. Today we are going to discuss about physical characteristics of Earth. यानी कि अर्थ के क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखने में कैसा लगता है कैसी कैसी जो है लेयर्स इसके ऊपर है वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस लेक्चर सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सो आज के लेक्चर में बच्चे जो है जब लेक्चर खत्म करेंगे तो दे वुल बी एबल टू रिकोगनाइज द अर्थ सर्फेस इज मेड अप ऑफ लैंड वाटर एंड इज सराउंडेड बाय एयर सो बच्चे जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो जान जाए कि जो अर्थ की सर्फेस है वो लैंड पे मुश्तमिल है पानी पे मुश्तमिल है और जो इट इज सराउंडेड बाय एयर सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेल मी हेयर यू कैन सी अर्थ के ऊपर कौन कौन सी चीजें जो है वो uh, मौजूद है पानी है हवा है जिसमें आप सांस लेते हैं आप हवा को देख नहीं सकते बट यू कैन फील इट जब वेन इट इज मूविंग जब ये चल रही होती है हवा तो आप इसको महसूस कर सकते हैं प्लांट्स है एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं तो अर्थ के ऊपर लाइफ भी मौजूद है इसके अलावा रॉक्स है तो ये तमाम चीजें मिलके जो है हमारे लैंड अर्थ को बनाती हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वट आर डिफरेंट थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ हवा पानी जिंदगी पत्थर ये तमाम चीजें जो है मिलकर हमारे

तो यानी पानी पानी की सतह जो है वो भी मौजूद है इसके ऊपर हाइड्रोमींस वाटर यहां पर लिखा हुआ है Then, there is हमारा अर्थ जो है इसकी जो थ्री मेजर फिजिकल सफेर है वो कौन कौन सी है हाइड्रो मतलब वॉटर लिथो मतलब सॉयल एंड एटमोसफेयर यानी मतलब एयर

बायो का क्या मतलब है लाइफ तो जितनी भी लाइफ है ये तमाम चीजें जो है मिलके उसको सपोर्ट करती हैं हवा पानी पत्थर ये तमाम चीजें जो है मिलके जमीन पर जो जिंदगी मौजूद है ये उसको सपोर्ट करती हैं सो so, ये तमाम जो सफेयर्स हैं तीन जो सफेयर्स आपको अर्थ की नजर आ रही हैं हाइड्रो लिथो एंड एटमोसफेयर ये तमाम जो है ये इंटरडिपेंडेंट है ये आपस में कनेक्टेड है सबसे पहले हम पहली सफेयर को डिस्कस करते हैं दैट इज लिथो सफेयर लिथो मींस रॉक की सफेयर सो लिथो सफेयर इज द अपर रॉक अपर रॉकी सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू 80 परसेंट टू 120 ट्वेंटी किलोमीटर डाउनवर्ड टू सेंटर ऑफ द अर्थ द सफेयर द सर्फेस ऑफ द लिथोसफेयर हैज माउंटेन्स डेजर्ट्स प्लेन्स प्लेटो एक्सेट्रा लिथोसफेयर द लैंड पोर्सन ऑफ द अर्थ शेयर अबाउट ट्वेंटी अर्थ सर्फिस सो माई डियर स्टूडेंट्स जो पथरीला हिस्सा या लैंड पोर्शन है हमारे अर्थ का दैट इज कॉल्ड लिथोसफेयर और ये जो है ये अर्थ के टॉप से लेके ये अर्थ के सेंटर तक जाता है यानी कि अगर मैं आपको ग्लोब दिखाऊं आई विल शी शो यू अ ग्लोब विट अ सेकेंड सो इफ आई विल शो यू द ग्लोब तो ग्लोब पे आपको जो है अर्थ के टॉप जो है आपको नजर आता है जहां पर पानी है सो दिस इज आवर ग्लोब तो अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर जो नीला हिस्सा है वो पानी का है और इसके अलावा जो आपको कलरफुल पोर्शन नजर आता है इसके ऊपर जितना भी कलरफुल पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द लैंड पोर्शन तो ये जो लैंड पोर्शन है ये जमीन के अंदर तक जाता है कितना अंदर तक जाता है 80 किलोमीटर से लेकर वन ट्वेंटी किलोमीटर है ठीक है सो इस तरीके से ये ये जो है लैंड पोर्शन है अर्थ का इज द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ और इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं माउंटेन्स हैं डेजर्ट्स हैं प्लेटोज हैं प्लेन्स हैं ये तमाम जो है ये लिथोसफेयर का हिस्सा है और लिथोसफेयर जो है ये 29 जो है ये अर्थ का सरफेस बनाता है तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो आपको ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है यानी कि पानी का हिस्सा ज्यादा है और 29 फीसद जो हमारे अर्थ का हिस्सा है दैट इज लिथो और दैट इज लैंड और नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द हाइड्रोस्फेयर अब हम नेक्स्ट सफेयर की तरफ बढ़ते हैं वो इज हाइड्रोस्फेयर जिसका मतलब है पानी का हिस्सा The hydrosphere water is the biggest portion of the earth's surface, contributing 71% of the entire earth. It is the total amount of water present on the earth, whether in any uh, form such as oceans seas, rivers, lakes, springs, ice capes, underground water, or even in vapor form. So, my dear students, Earth ka jo major hai that is called the hydrosphere, yes. यानी इकहत्तर फीसद हिस्सा जो हमारे अर्थ का है वो पानी से मिलकर बना हुआ है यानी कि 29% परसेंट दैट इज लैंड लिथोसफेयर और जो बाकी सारा आपको ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज हाइड्रोसफेयर दैट इज इस वाटर इसके अंदर तमाम किस्म का पानी जो है वो इंक्लूड होता है चाहे वो स्नो है चाहे वो आइसकेप्स हैं चाहे वो रिवर्स हैं सीज हैं ओशंस हैं, वॉटर वेपर इवन जो बुखारात हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट सो तमाम किस्म का जो पानी है वो हाइड्रोसफेयर uh, के अंदर आता है और ये मैक्सिमम पोर्शन जो है वो अर्थ का बनाता है दैट इज सेवेंटी वन परसेंट पोर्शन नेक्स्ट कम द एटमोसफेयर दैट मीन्स एयर Is the third portion of the earth it spreads around the earth like a blanket and is called atmosphere. Air is mixture of different gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. It extends up to 8 to 10 kilometers upward from the surface of the earth. So, my dear students, up atmosphere. Again, if you will look at this globe, Earth, so iska atmosphere. पानी और लैंड जो है वो इसकी सरफेस पे मौजूद है लेकिन वेयर इज एटमोस्फेयर एयर कहाँ है एयर जो है उसने एक ब्लैंकेट की तरह इसको कवर किया हुआ है इफ आई विल रिप्लेस माई स्कार तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर ने इस पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है और ये कितनी कितने डिस्टेंस uh, 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 पे मौजूद है सो डिस्टेंस इज एट किलोमीटर अप टू टेन किलोमीटर है यानी कि ये आठ किलोमीटर से लेकर दस किलोमीटर तक ऊपर एक्सटेंड होता है जमीन की सतह से ठीक है और इसने एक ब्लैंकेट की तरह पूरे अर्थ को अपनी लपेट में लिया हुआ है रैप किया हुआ है इसको, और ये मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बना है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये तमाम जो मुख्तलिफ गैसेज हैं यह हमारा एटमोसफेयर बनाती है सो माई डियर स्टूडेंट है यू विल लुक एट द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ जिसमें आपको लिथोसफेयर यानी कि लैंड नजर आ रहा है जो ग्रीन कलर का आपको लग रहा है ब्लैंकेट कुछ आई एम टॉकिंग अबाउट ये है वो इनविजिबल ब्लैंकेट जिसको हम एटमोसफेयर कहते हैं जो कि हमारी हवा कहलाता है जिसके जिसको मुख्तलिफ गैसे मिलकर बनाया गया है ठीक है और ये अर्थ की टेन किलोमीटर्स अपिल जो है अर्थ से एक्सटेंड होता है इतना ऊपर तक होता है ठीक है एट टिल टेन किलोमीटर सो माई डियर स्टूडेंट्स अगेन यू कैन सी के जो तीन हमारी अर्थ की लिथोसफेयर हाइड्रोसफेयर एंड एटमोस्फेयर कलेक्टिवली वर्क टुगेदर एंड दे सपोर्ट एंड अदर सफेयर व्हिच इज कॉल्ड दफेर यानी कि वो लाइफ को सपोर्ट करती है

सो नाउ इज द टाइम फॉर अवेल्युएशन सो जल्दी से आपने मुझे आंसर करना है वॉट इज लीथोसफेयर इट इज द रॉक पोर्शन लैंड पोर्शन सॉयल पोर्शन ऑफ द अर्थ ओके सो विच पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस हैज वॉटर हाइड्रोसफेयर इट इज वेरी गुड सो वॉट इज एटमोसफेयर इट इज एयर विच हैज रैप्ड द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट सो व्हाट इज बायोसफेयर It is the fourth Saphir which means life on the Earth that is supported by the rest of the three layers uh, the rest of the rest of the three Saphirs. So for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So you have your name number hai, and then you will start doing the worksheet. So my dear students write the names of the Saphirs and fill in the blank spaces with words given. बॉक्स सो माइ डियर स्टूडेंट्स आपको हाइड्रोसफेयर एंड बायोसफेयर नाउर आर द वर्ल्ड बैंक गिवेन और आपने इन, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है दिस अफेयर इज दॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट इज मेडअप ऑफ डैश एंड डैश सो It is lithosphere and it is made up of rocks and soil. This layer includes all the, all the dash that surrounds the earth. It protects us from the sunlight. Thieke? So, it is all the air and it protects us from the sun radiation. Rocks and minerals then comes the hydrosphere so all the dash all the water of the planet in this sphere we can find it in oceans rivers and groundwater so this is this affair where life exists in all forms including plants and animals so you will write here plants and animals so is blank you will write here oceans rivers and groundwater okay my dear students you will pause the video and complete the worksheet i hope everybody has done it now let's quickly move forward towards the homework for homework you will do question mcq number 2 given on page number 102 in your books then you will do question number 1 and 2 from section b given on page number 103 and you will do the questions in your notebook so my dear students this is your homework and today the wrap up of the lesson is we have learned about the different spheres of the earth we have learned about the physical characteristics of the earth which includes three spheres which is lithosphere hydrosphere and atmosphere and collectively these spheres support an other sphere the fourth sphere which is called the biosphere so my dear students i hope you have enjoyed today's lecture keep everybody around you safe have a good day thank you so much and Allah hafiz